इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया चौथा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलियाई टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉक अपनी चोट के चलते नहीं खेल पाए थे। हालांकि सिडनी में होने वाले पांचवें और अंतिम एशेज टेस्ट मैच में मिचेल स्टॉक खेल सकते हैं। मिचेल स्टॉक ने मंगलवार की सुबह अभ्यास किया और वह अभ्यास के दौरान पूरी तरह फिट दिखाई दिए हैं, लेकिन ग्लेन मैकग्रा नहीं चाहते स्टॉक खेले सिडनी टेस्ट। भले ही मिचेल स्टॉक की चोट में काफी सुधार आ गया है और वह सिडनी टेस्ट खेलने के लिए फिट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने ऑस्ट्रेलिया टीम को पांचवें टेस्ट में नहीं खिलाने की सलाह दी है। इस वजह से स्टॉक को नहीं शामिल करने की दी सलाह। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को यह सलाह इसलिए दी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को फरवरी मार्च में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चार टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है और इसी सीरीज के लिए ग्लेन मैकग्रा चाहते हैं कि स्टॉक पूरी तरह फिट होकर ही अफ्रीका जाए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने स्टॉक को लेकर कहा, मैं जानता हूँ कि हम सभी मिचेल स्टॉक को खेलते देखने चाहते हैं क्योंकि वह जब भी गेंदबाजी करता है तो विपक्षी टीम को दबाव में रखे रहता है, इसलिए आप चाहते हैं कि वह हर संभव खेले, खासकर जब वह अपने घर के मैदान पर खेल रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए दक्षिण अफ्रीका का एक बहुत बड़ा दौरा आ रहा है, इसलिए वह उस दौरे में 100% फिट होना चाहिए। यदि वह साउथ अफ्रीका दौरे में फिट नहीं होगा तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, इसलिए अभी उसे आराम दिया जाना चाहिए और उसे दक्षिण अफ्रीका के लिए तैयार करना चाहिए। पैट कमिंग्स ने स्टॉक की चोट को लेकर दी ये अपडेट। वही स्टॉक की चोट को लेकर मंगलवार को पैट कमिंग्स ने कहा, मैंने उनसे बात